हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक कोचिंग। स्टूडेंट्स, हम स्टैट में मोड कर चुके हुए हैं, लेकिन आज हम मोड इसलिए करने आए हैं क्योंकि हमारे पास जो हमने मोड किया था उसमें हमारी जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी थी वो हमारे जो गिवन वैल्यूज़ हैं उनके कहीं बीच में थी। लेकिन हमारी एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर हमारा जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है वो टॉप पे आ जाए पहले नंबर पे, या हमारी जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है वो बिल्कुल लास्ट में आ जाए। बिकॉज क्यों हम ऐसे कह रहे हैं, क्योंकि जब हमारे पास कभी बीच में हमारी मॉडल क्लास आ जाती थी, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी आ जाती थी, तो उसके ऊपर वाला जो हमारे पास होता था वो F0 होता था, और जो मॉडल क्लास वाला जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी वाला होता था वो F1 और उसके नीचे वाला F2 होता था। लेकिन अगर हमारी टॉप वाली मॉडल क्लास हो जाएगी, मीन्स F1 हो जाएगा, तो F0 का क्या करें, हम कैसे निकालेंगे? इसी तरह से अगर हमारे पास हमारी लास्ट फ्रिक्वेंसी जो है वो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी आ जाए, लास्ट फ्रिक्वेंसी हमारी मॉडल क्लास आ जाए, तो हम क्या करेंगे, उसके नीचे वाली कौन सी लेंगे, F2 कैसे लेंगे? तो ये हमारे लिए कुछ प्रॉब्लम्स हैं। और एक प्रॉब्लम हमारे लिए ये भी है कि अगर हमारे पास दो फ्रिक्वेंसी ऐसी आ जाएं जो हाईएस्ट है, तो फिर उनमें से कौन सा सिलेक्ट करें? तो ये सारी प्रॉब्लम्स को हमने आज दूर करना है। तो आप मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ताकि हम इस प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन सॉल्व कर सकें। तो चलिए, मैंने आपके लिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। जैसे ये फर्स्ट एग्जांपल में आपको दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया है कि कुछ बैट्समैन हैं जिन्होंने रन स्कोर किए हैं 5000 से 6000, 6000 से 7000। सिमिलरली उनके स्कोर बढ़ते जा रहे हैं और सामने उनकी काउंटिंग दी है कि वो कितने बैट्समैन हैं जिन्होंने 5000 से 6000 के बीच में लिया है। बिकॉज हमने इसका मोड निकालना है, तो आप ध्यान दोगे स्टूडेंट्स, तो यहां पे जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है वो हमारे लिए ये टॉप पे दी हुई है, जिसको हम क्या लेते हैं, जिसको हम ले लेते हैं F1। तो F0 की प्रॉब्लम हो गई। तो सबसे पहले आपको मोड का फॉर्मूला लिख देता हूं। मोड का फॉर्मूला क्या था? मोड का फॉर्मूला था L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2, इसको ब्रैकेट में करके मल्टीप्लाई HV करना है। तो हमारे लिए प्रॉब्लम आ गई कि अगर हमारा ये F1 है तो हमारा F0 कौन सा होगा। तो स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, जब हमारे पास इस तरह का केस आ जाए कि हमारे पास ये ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है, ये हमारे लिए हमारी मॉडल क्लास है जिसको हमने ऐसे करके सिलेक्ट भी कर लिया है। तो अगर ये हमारी मॉडल क्लास है तो हम क्या करते हैं, यहां पे L तो हमें दिख ही रहा है, हमारा L कितना आ रहा है यहां पे, वो तो हमारा 5000 आ रहा है। सिमिलरली जो इनके बीच में ये H लेते हैं हम, जो इनके बीच में गैप आ रहा है, डिफरेंस बिटवीन क्लास इंटरवल, वो 1000 आ रहा है। ठीक हो गया। F1 भी हमने सेलेक्ट कर लिया 18, F2 भी हमने कर लिया, नीचे वाला आपको पता है F2 होता है, तो 9 आ गया। लेकिन हम F0 किसको लें? तो इस केस में F0 हमारा स्टूडेंट्स 0 ही होता है, ये याद रखना है, F0 हमारे लिए 0 होगा। ठीक हो गया। तो हमने यहां पे 0 ले लिया, वैल्यूज पुट कर देंगे मोड में, तो L की जगह हमारे लिए क्या आ जाएगा, हमने निकाला है 5000, और सिमिलरली F1 18, F0 हमारा 0 है, डिवाइड बाय 2F1 दैट इज 2 into 18, F0 0 एंड F2 हमारे लिए 9 है, और इनको हमने H मतलब डिफरेंस हमने लिखा है जो 1000 आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, ये 5000 आ गया हमारे लिए 5000, और यहां पे 18 आया ऊपर, और डिनोमिनेटर में हमारे पास 18 टू जा 36 माइनस 9, 36 माइनस 9 दैट इज 27 इंटू 1000। तो हमने यहां पे कटिंग कर दी है 9 के टेबल में 2, 9 के टेबल में 3, तो ये आ गया 5000 प्लस 2000 बाय 3। और जब हम 2000 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 2000 को 3 से, 36 जा 18, तो 20 फिर 6 पे जाएगा, फिर 20 फिर 6 पे जाएगा। अब हमारे डिजिट्स यहां पे खत्म हो गए हैं तो डेसिमल लगाना पड़ेगा, फिर 6 आएगा, तो इस तरह से हमारा चलता जाएगा। तो ये आ जाएगा 5000 प्लस 666.66। तो इसलिए अगर आपने लास्ट डिजिट, ये चलता जा रहा है, तो लास्ट डिजिट अगर आप छोड़ना चाहते हो तो आप स्टूडेंट्स राउंड ऑफ कर सकते हो। तो आप क्या लिख दोगे यहां पे, 5666.67। तो इस तरह से हमने अपना मोड फाइंड आउट कर लिया है, जब हमारे पास हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी जो है वो हमारी फर्स्ट क्लास में है, फर्स्ट क्लास इंटरवल के सामने है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी तरह से ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से अब हम क्या करते हैं, हम एक और एग्जांपल लेके चलते हैं जिसमें हम ये सीखेंगे
कि अगर आपकी मॉडल क्लास जो है वो सबसे लास्ट में आ जाए तो फिर आप क्या करोगे, ठीक है? अगर आपकी मॉडल क्लास जो है वो सबसे लास्ट में आ जाए तो क्या करेंगे, उसकी एक एग्जांपल लेके चलता हूं आपके लिए। पहले इस वाली को रब कर देता हूं अच्छी तरह से जल्दी से। ये देखिए मैंने रब कर दिया है। हमारे पास अब फ्रीक्वेंसी हम चेंज करने लगे हैं। हमने क्वेश्चन यही लिया है स्टूडेंट्स, लेकिन हम फ्रीक्वेंसी यहां पे चेंज कर रहे हैं, बाकी क्वेश्चन हमारा सेम है। बाकी मैंने आपके लिए यही एग्जांपल लिया है, बस यहां पे हमने फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है। वो देख लेते हैं क्या लेते हैं हम। हमने यहां पे दूसरे लिए अपनी एग्जांपल के लिए 8 ले लेते हैं, यहां पे 6 ले लेते हैं, यहां पे 7 ले लिया हमने। सिमिलरली यहां पे हमने 10, 12 एंड 15 ले लिया है। जैसे मैंने बोला ही था कि हमारे पास हो सकता है कि लास्ट जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो जाए, तो हमारे लिए मॉडल क्लास ये वाली हो गई। अगर ये मॉडल क्लास हो गई तो हमारे लिए ये F1 हो गया, आप समझ गए हो। ये F0 भी आ गया आपके लिए, लेकिन अब F2 नहीं है। तो F2 नहीं है तो हमने क्या करना है, F2 को 0 ले लेना है सेम उसी तरह से। तो मॉडल क्लास हमारी कौन सी आई है, ये वाली हमारी मॉडल क्लास आई है जिसमें हमने F1 लिखा है। मॉडल क्लास वही होती है जिसमें हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होती है। तो आपकी लोअर लिमिट इधर 10,000 है, इस बार हमने 10,000 लगा लिया है। तो F1 हमारे लिए क्या आएगा, वो 15 आ जाएगा, F0 12 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में भी 2 × 15 − 12, और F2 हमारा 0 × h हमारा 1000 ही आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं आगे। क्या आया हमारे लिए, 10,000 एज इट इज ये लिख दिया हमने, प्लस 3/30 − 12, 3/30 − 12, 30 − 12 कितना हो गया, 30 − 12 18 हो गया × 1000। अब ये 3 की कटिंग हो रही है 18 से 6, तो यहां पे 3 आ गया, यहां पे 500 आ गया। तो 500 को भी हम 3 से डिवाइड कर लेते हैं। जब हम 500 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 × 1 = 3, 2 × 0 = 3, 6 = 18, फिर 2 × 0 = 3, 6 = 18, पॉइंट लगेगा, पॉइंट लगा तो यहां पे 20, फिर वही चलता जाएगा 6 6। तो जब ऐड करेंगे हम 10,000 में 166.66, तो हमारा आंसर आ जाएगा 10,166.67। हमने राउंड ऑफ करके अपना मोड फाइंड आउट कर लिया स्टूडेंट्स। आपको क्लियर हो गया, ये भी बिल्कुल उसी वे से ही हमने सॉल्व किया है। तो चलिए अब हम मैं आपके लिए अगली एग्जांपल लेके चलता हूं। उस एग्जांपल में आपको दिखा देता हूं कि उसमें हमने क्या लिया। इसको रब कर देता हूं पहले वाली एग्जाम्पल को। देखिए इसमें मैंने आपके लिए क्या लिया है, इसके में मैंने आपके लिए वो क्वेश्चन लिया है जिसमें हमने दो फ्रीक्वेंसीज ली हैं और वो दोनों ही हाईएस्ट हैं। ये देखिए ये दोनों फ्रीक्वेंसीज हाईएस्ट हैं इस एग्जांपल में। ये एक फैमिली साइज है, 1 से 3 मेंबर हैं यहां पे। कितनी फैमिलीज है, 5 फैमिलीज, 3 से 5 मेंबर वाली 6 फैमिलीज। तो ये हमने एग्जाम्पल लिया है। तो हम मान लेते हैं कि ये वाला जो हाइएस्ट फ्रिक्वेंसी है ये हमारे लिए F1 है, ये हमारे लिए हमारी मॉडल क्लास है। अगर ये मॉडल क्लास है तो मोड में फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी। तो F1 पहले तो लोअर लिमिट देख लो इसकी क्या है, इसकी लोअर लिमिट क्या है, ये वाली मॉडल क्लास की 3 है, पुट कर दिया। फिर F1 हमने पुट किया, F1 हमारे लिए 6 है, और F0 आपको पता है कि वो ऊपर वाला होता है, तो वो हमने 5 पुट कर दिया। नीचे भी 2 × 6 − 5, और F2 नीचे वाला है वो 6 है, मल्टीप्लाई h, कितने का गैप है यहां पे इंटरवल्स में, 2 का गैप है। तो स्टूडेंट्स हमारे लिए यहां पे क्या कैलकुलेशन आ जाएगी, मोड क्या आएगा, 6 − 5 दैट इज 1, नीचे 6 × 2 = 12, 12 − 11 नीचे भी 1 आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/1 आया यहां पे, और × 2, तो 3 + 2 दैट इज हमारा मोड जो है वो 5 आ गया है। क्लियर हो गया आपको। तो ये तो हमने क्या किया है, किया F1 को ये वाले 3 5 वाले इंटरवल को हमने F1 ले लिया, मॉडल क्लास ले लिया। लेकिन स्टूडेंट पूछेंगे सर आपने इसी को क्यों लिया है, इधर भी तो 6 आ रहा है, इसको क्यों नहीं ले सकते। हम बिल्कुल ले सकते हैं अगर हम इसको F1 ले लेते हैं इस तरह से। देखिए अगर हम इसको F1 ले लेते हैं और फिर इसका ऊपर वाला F0 हो जाएगा, ठीक हो गया, और नीचे वाला तो F2 ही होने वाला है। तो अब हमारे लिए जो मॉडल क्लास है F1 वाली होती है वो ये आ जाएगी। अब हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा, अब हमारा क्वेश्चन इसी तरह से फिर बनेगा, मोड इज इक्वल टू एल प्लस F1 − F0 / 2F1 − F0 − F2 × h। तो मॉडल क्लास के अकॉर्डिंगली लोअर लिमिट हमारी 5 है, F1 हमारा इसी इंटरवल का 6 है, F0 भी 6 है, नीचे 2 × 6 − 6, और F2 2 है, मल्टीप्लाई 2 का गैप है। तो अगर आप ध्यान दोगे 5 6 − 6 0 आ रहा है,
नीचे 12 माइनस 8 मल्टीप्लाई 2। लेकिन स्टूडेंट अगर आप ध्यान दोगे कि अगर ऊपर न्यूमिनेटर ही जीरो हो गया तो आंसर तो जीरो ही होगा, तो इसका मतलब अगर आंसर जीरो होगा तो 5 प्लस 0 हमारा आंसर 5 आ गया है। तो दोनों केसेस में हमारा जो आंसर है ये देखिए वो सेम ही आ रहा है। तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि आप इसमें से किसी को भी मॉडल क्लास ले सकते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो जितने भी डाउट्स थे आपके अब सारे क्लियर हो गए हैं मोड के रिगार्डिंग। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ आ गया है तो आपने इस वीडियो लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करना है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।